गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो है हम फिर जो है टॉपिक शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल फॉर दी जीरो टू पाई लॉग वन प्लस टेन थीटा इक्वल टू जी एक्स उसकी वैल्यू निकालनी है। इफ एक्स थीटा इक्वल टू जी जीरो टू पाई लॉग वन प्लस टेन थीटा डी एक्स इक्वल टू इसी वैल्यू निकालनी है फॉर थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाई टू स्मॉल ब्रैकेट में। तो गिवन क्या है, अब इसको लॉग वन प्लस टेन थीटा टेन एक्स डी एक्स जीरो टू पाई लॉग वन प्लस ये क्या आएगा टेन थीटा इसके कर दूंगा टेन थीटा माइनस एक्स टेन थीटा माइनस एक्स डी एक्स लोग वन प्लस टेन थीटा जुगे तुम ये क्या आएगा टेन ए माइनस टेन बी टेन वन प्लस टेन थीटा टेन एक्स टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा टेन एक्स इससे क्या जाएगा इससे जाएगा इससे लोग वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा टेन एक्स इसको क्या कर लिया जीरो टू पाई लिमिट चली आ रही जीरो टू पाई चली आ रही है फिर डी एक्स भी चला आ रहा है लोग एम अपॉन लोग एन लोग एम माइनस लोग एन लॉग वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लॉग वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा डी एक्स
लॉग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डीएक्स की वैल्यू क्या जाएगी, इसकी तो वैल्यू निकालनी थी मुझे, ये माइनस आई के इक्वल है लेट, इट विल बी इक्वल टू आई, लेट इट विल बी टू आई यह 0 टू पाई लॉग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्या है लॉग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्या आएगा इसका जगह 2 थीटा, डायरेक्टली करा भी था पीछे 2 थीटा सेक थीटा, क्या है 2 थीटा सेक थीटा लॉग सेक थीटा, इधर आगे क्या आएगा 2i इक्वल टू टू थीटा लॉग सेक थीटा, 2 से 2 जाएगा आई इक्वल टू थीटा आई इक्वल टू लॉग सेक थीटा, आई इक्वल टू थीटा लॉग सेक थीटा। जैसे मान लिया ये 0 टू पाई लॉग 1 प्लस टेन थीटा टेन डी एक्स है फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 5/2, ये क्वेश्चन है भाई, इसका क्या करना है 0 टू पाई लॉग 1 प्लस टेन थीटा माइनस एक्स डी एक्स कर लिया फिर टेन एक्स तो थीटा माइनस एक्स कर लिया, क्या आ गया फिर ये टेन ए माइनस टेन बी का फॉर्मूला लगा दिया, फिर इसको सोल्व कर लिया, आ गया 1 प्लस 2 एम माइनस लॉग एन, इसका फॉर्मूला सीधा हम कल करा था लॉग में से क्या थीटा का क्या था 2 थीटा sec थीटा लॉग, और ये वैल्यू क्या है मान लीजिए ये रखा है जुगत में ये इसकी वैल्यू आई आई अरे प्लस आई कितना क्या 2i इक्वल टू 2 थीटा लॉग sec थीटा आई इक्वल टू थीटा लॉग sec थीटा, भाई बात सुनिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है सवाल 0 टू a f(x) dx क्या आगे 0 टू a f(x) dx इक्वल टू 0 टू a f(x) dx 0 टू a f(x) dx प्लस 0 टू a f 2a माइनस एक्स, ये क्या लिमिट होती है डी एक्स, अगर 0 टू 2a f(x) dx हो इक्वल टू 0 टू a जीरो एक होती है 2 वैल्यू 0 टू a f(x) dx इफ f(x) इज इफ इसकी वैल्यू f(a) - x = m - f(x) इफ f ये एक दो फॉर्मूले हो गए, एक फॉर्मूले क्या हो गया वो जीरो टू 5/2 लॉग साइन एक्स 0 टू 5/2 लॉग कोस एक्स इक्वल टू 1/2 पाई बाई
वन बाई टू लोग हाफ, क्या है वन बाई टू हो, वन बाई टू पाई लोग हाफ, 0 टू पाई बाई टू लोग साइन एक्स इक्वल टू 0 पाई बाई टू लोग को एक्स इक्वल टू पाई बाई टू लोग हाफ, इसे आंसर इन फॉर्मूला यानी कि एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 0 टू ए और 0 टू 2 ए एफ टू एफ एक्स एफ टू वन एक्स एक्स की प्रॉपर्टी हो गई। इफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 होगी, इफ 2 ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, इफ एफ टू माइनस एफ इक्वल टू एफ एक्स, यानी 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, 0 टू पाई बाई टू लोग साइन एक्स या 0 टू पाई बाई टू लोग को एक्स की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई टू लोग हाफ की वैल्यू आ जाएगी। जैसे अभी क्वेश्चन लगाते हैं इससे, क्या वैल्यू है जैसे जीरो टू टू पाई, 0 टू 2 पाई साइन की पावर 100x, साइन की पावर 100x कोस की पावर 99x dx। बिकॉज एफ एक्स मान लिया फंक्शन कितना है, साइन की पावर 100x कॉस की पावर 99x, एफ टू पाई माइनस एक्स लिखना चाहता हूँ मैं इसमें, एफ टू पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन 100 टू पाई माइनस एक्स कॉस 2 पाई माइनस एक्स 99 कोस 2 पाई माइनस एक्स कोस एक्स इस साइन 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन आ जाएगा, माइनस की पावर प्लस है तो क्या आ जाएगा, देखिए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये साइन 2 पाई एक्स साइन क्या आ जाएगा, साइन एक्स की पावर 100 कोस की पावर 99 एक्स इक्वल टू एफ एक्स। हियर वी हैव एफ टू माइनस पाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स, इट मीन्स आई इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई साइन 100x कॉस 99x डी एक्स इक्वल टू टू आई 2 0 टू पाई साइन 100x कॉस 99x। फिर मैंने वही लगा दिया एक बार, वो फिर लगा दी इसमें, टू टू 0 पाई साइन की पावर साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स साइन 100x साइन 100x कॉस पाई माइनस एक्स कॉस की पावर 99x
इज इक्वल टू 2 × 0 to π, 2 × 0 to π, ये आ जाएगा साइन कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहां माइनस आ जाएगा माइनस ये आई है, ये क्या आएगा माइनस आई, ये आई चले जा रहा था, ये आई माइनस आई, आई प्लस आई इज इक्वल टू जीरो इज इम्प्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू जीरो इज इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हैंस इट विल बी दैट इज जीरो, साइन और 19 साइन और 100x 0 to π साइन और 100x cos और 19x dx इक्वल टू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। देखो इसमें तो एक बार f 2π - x वैसा ही a माइनस एक्स, ये फंक्शन लेके जा रहा है एफ एक्स आ रहा, तो इसका दुगुना यहाँ आ जाएगा एफ पाई माइनस एक्स, क्या आएगा यहाँ बाहर आ जाएगा cos पाई माइनस एक्स माइनस cos एक्स आ जाएगा, ये सारा क्या है इक्वल है आई के इक्वल है, यहाँ से ये सारा क्या है इक्वल है आई के इक्वल है, तो आई आ गया माइनस आई प्लस आई 2i, आई इक्वल टू जीरो, 2i इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो अपॉन 2। अब आगे बढ़ते हैं भाई, क्या चीज है −π/2 4 to π/4 −π/4 2 π/4 log sin x plus cos x dx, इसका क्या आ गया, लॉग 1/√2 जो है √2 बाहर कर देंगे और अंदर क्या आ गया 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कोस एक्स, लॉग −π/2 to 4 to π/4 √2 sin x + π/4 लेट x + π/4 इक्वल टू थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू डी, अब x की वैल्यू अगर π/4 कर लेंगे तो थीटा इक्वल टू π/4, अगर थीटा की वैल्यू −π/4 कर लेंगे थीटा की वैल्यू जीरो,
जाएगी 0 to π/2, क्या जाएगी 0 to लॉग रूट टू साइन थीटा, लॉग रूट टू साइन थीटा, इसको लॉग एम प्लस लॉग एन कर दूंगा, इसको इसको क्या कर दूंगा, लॉग एम प्लस एन कर दूंगा, क्या जाएगा ये 0 to π/2, 0 to π, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग रूट टू प्लस लॉग साइन थीटा, लॉग टू प्लस थ्री लॉग टू साइन थीटा, देखो 1/2 लॉग टू 0 to π/2 थीटा प्लस 0 to π/2 लॉग साइन थीटा, 1/2 लॉग टू किसका क्या आ जाएगा, थीटा का थीटा आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी थीटा की, थीटा π/4 लॉग -0, तो ये 0 आ जाएगा, और लॉग साइन थीटा के क्या आ जाता है पाई लॉग टू, π/2 लॉग टू माइनस π/2 लॉग हाफ आ जाता है, लॉग हाफ π/2 लॉग हाफ आता है, यानी -π/2 लॉग टू, इट मीन्स चाहे तो ये अभी हमने पढ़ा क्या होता है π/2 लॉग हाफ, इसकी वैल्यू भी क्या रखते हैं -π/2 लॉग टू, इट मीन्स -π/2 लॉग टू, π/4 टू, π/4 लॉग टू माइनस π/2 लॉग टू, और π/4 लॉग टू माइनस π/4 टू माइनस π/4 लॉग, या -π/4 लॉग टू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई -π/4 लॉग टू आ गई, आगे बात सुनिए भाई, अब आगे देखते हैं। जैसे क्या है लॉग एक्स प्लस वन क्या आ गया लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स, लॉग एक्स प्लस वन अपॉन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 0 to π/2, 0 to इन्फिनिटी, या 0 to इन्फिनिटी लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेट हेयर इज फॉर दिस हेयर इज लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो डी एक्स बराबर टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, अगर एक्स की वैल्यू मैंने क्या कर दी यहां पुट कर दी एक्स इक्वल टू टेन थीटा, और डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको पुट करेंगे जब एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू रख देंगे जब जाए एक्स इक्वल टू जीरो थीटा इज इक्वल टू जीरो, व्हेन एक्स इक्वल टू पाई बाई टू थीटा इज इक्वल टू नहीं एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो लिमिट क्या आ गई 0 to π/2
जीरो टू पाई बाई टू लॉग, क्या आ गई है, यही है एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स लॉग टेन थीटा प्लस फोर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी। और नीचे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा से वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा चले जाएगा, sec स्क्वायर थीटा जा जाएगा, ये टेन थीटा कौन साइन थीटा, साइन थीटा कौन कॉस थीटा, इसे क्या कर लूंगा, इसमें वो कर लूंगा मैं क्या आएगा log साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इससे जाएगा, इससे ये जाएगा, इसका एलसीएम ले लूंगा फिर साइन थीटा कॉस थीटा का क्या आएगा ऊपर, क्या गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, अब वन लॉग वन अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, दो की वैल्यू डिवाइड कर देंगे, दो से क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका वन फोर एक्स का एक्स आ जाएगा क्या जीरो टू क्या माइनस लॉग साइन थीटा कॉस थीटा जीरो टू फाइव बाई माइनस जीरो टू फाइव बाई टू लॉग कॉस थीटा साइन थीटा, अब क्या आएगा माइनस लॉग साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है भैया, भाई साहब लॉग साइन थीटा भैया माइनस फाइव बाई टू लॉग टू, यहाँ से क्या माइनस फाइव बाई टू लॉग टू माइनस फाइव बाई टू लॉग टू माइनस फाइव बाई टू लॉग टू माइनस फाइव बाई टू लॉग टू, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस फाइव बाई टू लॉग टू प्लस फाइव बाई टू लॉग टू माइनस आएगा ना माइनस दस दस फाइव बाई टू फाइव टू टू फाइव बाई टू लॉग टू क्या आएगा ये आ जाएगा पाई लॉग टू क्या आएगा फाइव बाई टू फाइव बाई टू क्या आएगा फाइव टू फाइव बाई टू लॉग टू टू के टू जाएगा क्या गया पाई लॉग टू क्या जाएगा ये पाई लॉग टू, ये मेरे को नई प्रॉपर्टी है देखो, ये है एक्स प्लस वन बाई एक्स डी एक्स दोनों इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन थीटा डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक्स इक्वल टू टेन थीटा प्रूव कर पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो क्या होगा डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा, यहाँ पे गया टेन थीटा प्लस वन टेन थीटा कॉस थीटा आ गया वन प्लस टेन स्क्वायर से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या गया
साइन थीटा प्लस कोस थीटा का एलसीएम ले लिया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, वन आ गई, वन अपॉन साइन थीटा। ये लोग एम वन अपॉन एक्स के आगे माइनस एक्स माइनस टू आ जाएगा, एर इट इज, इसके लोग एम इन टू एन लोग एम एन माइनस बाहर है तो दोनों में माइनस आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या माइनस पाई बाई टू लोग टू माइनस माइनस प्लस पाई बाई टू लोग पाई बाई टू लोग टू पाई लोग टू, ये कहा जाता है पाई बाई पाई लोग टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थ्योरम है, दो क्या थ्योरम है, क्या क्वेश्चन है, जैसे क्या क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है, देखो जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, एक और प्रॉपर्टी है जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो टू ए एफ ए प्लस एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, जीरो टू ए एफ ए प्लस एक्स डी एक्स जीरो टू ए एफ माइनस, ये एक साथ ही कर दो नहीं उन्हें कह के, जीरो टू ए एफ ए प्लस एक्स डी एक्स एफ ए माइनस डी एक्स, एक और क्या गया जीरो टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बी माइनस ए जीरो टू टी एफ बी माइनस ए एक्स डी एक्स, प्लस ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए एफ बी माइनस ए एक्स प्लस ए डी एक्स, ये भी इसका आंसर आ जाएगा, ये भी किसी प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टी क्या है इसमें, इन्हीं प्रॉपर्टी को हम जो है याद कर लेंगे, ठीक है, यानी जीरो टू टू ए एफ 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 ए प्लस एक्स एफ ए माइनस एक्स डी एक्स जीरो टू ए टू बी बी माइनस ए जीरो टू टी एफ जी माइनस एक्स प्लस ए डी एक्स। आगे नेक्स्ट जैसे क्या क्वेश्चन है, ये माइनस ए टू डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन, डेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ
ओड एंड इवन फंक्शन ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन किस तरह निकाल सकते हैं? इफ माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स होगी, इसका इंटीग्रेशन दो तरह से इंटीग्रेशन निकालते हैं, एक से क्या जाएगा सर जीरो, और एक है टू टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स एफ एक्स एफ माइनस इफ एफ इज ओड, एफ इज ओड, एफ इज ओड हो तो क्या इंप्लाइड हो जाएगा, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, इफ एफ इज ओड एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, इफ एफ एक्स इज इवन, एफ एक्स इज इवन, देन इट इंप्लाइज दैट f x f minus x is equal to f x, f minus x is equal to f x, f minus x is equal to f x, that is mean it is the function is even, if function is odd function f minus x is equal to minus f x, then minus 2a f x dx is equal to 0 value, if minus 8a f x dx is even function 2 0 to a f x dx ki value aa jayegi. एक और प्रॉपर्टी है देखो इसकी, एक क्या प्रॉपर्टी है, एफ टी इज एन ऑड फंक्शन, इफ एफ टी इज एन ऑड फंक्शन, इफ एफ टी इज एन ऑड फंक्शन, इफ एफ टी इज एन ऑड फंक्शन, देन देन वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो टू टी एफ टी डी टी, इफ एफ टी इज इन ए ऑड फंक्शन देन फाइव एक्स इज इक्वल टू जीरो टू टी एफ टी डी टू, ये क्या जाएगा, इफ एफ टी इज एन ए ऑड फंक्शन देन फाइव एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एफ टी डी टू, मीन्स it means that phi x, it means that if I say what is that, it means that phi x will be even function, then phi x will be even function, even function hoga, if f t is an odd function then phi x equal to 0 to f t dt, phi x will be an even function. आगे बढ़ते हैं भैया, देखो अब एक क्वेश्चन है, जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जैसे क्या क्वेश्चन है, जीरो टू टी
माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन लोग ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एंड ए प्लस बी एंड ए प्लस बी साइन एक्स एंड ए प्लस बी मोड साइन एक्स बी एक्स ये है वैल्यू जीरो टू पाई बाई टू लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। अब क्या है देखो ये तीन फंक्शन है ए फंक्शन दो और तीन ये हो गया लोग एम इंटू एन इंटू पी लोग एम प्लस लोग एन इंटू लोग पी है ना लोग ए बी सी क्या लिख सकता हूँ लोग ए प्लस लोग बी प्लस लोग सी इनको अगर मल्टीपल है तो अलग अलग प्लस में लिख सकता हूँ। अब इसकी क्या वैल्यू रहेगी वही इसका माइनस पाई बाई टू इंटू पाई बाई टू लॉग ए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी प्लस लॉग ए प्लस बी प्लस लॉग साइन एक्स मोड एक्स बी एक्स ये इसको अलग अलग कर लिया अलग अलग कर लिया तो ओके आगे बढ़ते हैं। ये क्या आ गया अब क्या आ गए अब मान लिया अब इसकी वजह है इसकी जो है वैल्यू निकालना चाहता हूं मैं पहले इसकी वैल्यू निकाल लू फिर इसकी वैल्यू निकाल लू फिर क्या इसकी वैल्यू फॉर अब इसकी वैल्यू निकाल लू पहले मैं अलग से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस क्या आ गया माइनस पाई बाई टू बाई बाई पाई बाई टू लोग एक्स की वैल्यू को माइनस एक्स पुट कर दिया एक्स की वैल्यू क्या कर दिया मैंने माइनस एक्स पुट कर दिया तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या जाएगा एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या जाएगा माइनस बी एक्स प्लस सी ये क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स को उल्टा माइनस कर दूंगा इक्वल टू क्या जाएगा ये माइनस एफ एक्स इसको उल्टा जाएगा ये माइनस में आ जाएगा ये लोग वन पॉन एक्स इक्वल टू माइनस लोग एक्स है उसको उल्टा करके ये क्या आ जाएगा यू ही तो आ जाएगा ये लोग एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाएगा भाई और जब ये सिस्टम क्या आ गया ये क्या आ गया ये ओड फंक्शन आ गया वी हैव दैट इट मीन्स इट विल बी टू द वैल्यू विल बी जीरो बिकॉज ओड फंक्शन ओड फंक्शन की वैल्यू इससे जीरो आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालते हैं लॉग जीरो टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू लॉग वन प्लस ए बी माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू लॉग ए प्लस बी तो लॉग ए प्लस बी क्या है इसमें कॉन्स्टेंट है ये तो बाहर आ जाएगा लॉग ए प्लस बी और अंदर क्या आएगा एक्स एक्स ए का क्या आएगा एक्स एक्स का वन आ जाएगा क्या आएगा ये लॉग ए प्लस बी
एफ पाई बाई टू माइनस के पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू क्या आएगा लॉग ए प्लस बी पाई बाई टू माइनस माइनस पाई बाई टू माइनस माइनस प्लस पाई बाई टू पाई बाई टू पाई इक्वल टू पाई लॉग ए प्लस इट मीन्स वी हैव दैट एंड लॉग रूट साइन एक्स लॉग साइन एक्स क्या आएगा लॉग साइन एक्स फाइव बाई टू क्या आएगा माइनस फाइव बाई टू टू माइनस फाइव बाई टू माइनस अब फाइव बाई टू टू फाइव बाई टू लॉग साइन एक्स का मोड लॉग साइन एक्स का मोड इट मीन्स लॉग साइन एक्स मोड मीन्स फॉर दिस mod it will be to the always positive then it will be to the even function for this we have 0 to pi by 2 log sine x it means 0 to pi by 2 log sine x means is minus pi by 2 log 2 then it means minus pi by 2 2 into multiply minus pi by 2 log 2 is to the power kya hai minus pi log इट मीन्स दैट इज सॉल्व टू द फर्स्ट इक्वेशन इफ देयर इज इफ देयर है देयर बाय द इक्वेशन थर्ड वी हैव क्या लिखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ गई लोग इसके पहले बी एस एक्स स्क्वायर की जीरो इसकी वैल्यू प्लस फाइव लॉग ए प्लस बी प्लस फाइव लॉग ए प्लस बी मीन्स पाई लोग माइनस पाई लोग इन दोनों में क्या कर लूंगा पाई दोनों में ज्यादा अच्छा करने के लिए लोग और कॉमन ले लूंगा क्या आएगा पाई कॉमन लेंगे लोग ए प्लस बी माइनस लोग टू लोग एम माइनस लोग एन क्या आएगा लोग एम अपॉन एन लोग ए अपॉन बी अपॉन टू देखो क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है कि ये क्या था क्वेश्चन क्वेश्चन था माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस लोग ये था अब इसको क्या करा मैंने इसको लोग एम इंटू ए लोग ए इंटू बी इंटू सी इसको प्लस का फॉर्म लगाया फिर इसका इंटीग्रेशन करा दैट इज हियर द और फंक्शन जीरो लोग ए प्लस बी की वैल्यू आ गई थी लोग साइन एक्स फिर डायरेक्ट कर दिया वैल्यू माइनस पाई बाई टू लोग टू है ना माइनस पाई बाई टू लोग इवन समझे जीरो टू पाई बाई टू लोग साइन एक्स माइनस पाई बाई टू लोग टू तो इसकी वैल्यू इन तीनों को ऐड कर देंगे दैट इज वी हैव द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माइनस जैसे एस फॉर एग्जाम्पल इज माइनस फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू टू पाई बाई टू माइनस फाइव बाई टू टू पाई बाई टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर ए फॉर्मूला है ये रखा है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी टू ए ए कमरे कितना है
एक्स प्लस वन, और बी का मतलब कितना है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ए का स्क्वायर ये रहा है, ए का स्क्वायर का ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का ये रहा बी स्क्वायर, माइनस टू ए बी, इससे तो ये जाएगा, इससे जाएगा माइनस टू ये रखा, तो क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या रखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या रखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर रखा, क्या रखेंगे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसको क्या वैल्यू रख दी मैंने, इनकी एलसीएम ले लिया, क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन माइनस फाइव बाई टू अपॉन फोर एक्स, क्या जाएगा ये फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या जाएगा फोर एक्स अपॉन ये क्या जाएगा टू एक्स, इससे क्या जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इससे क्या आगे एक बार तो ऐड कर दूंगा एक बार माइनस कर दूंगा, क्या फोर एक्स आगे, क्या आगे ये फोर एक्स नहीं टू इंटू टू एक्स, क्या आगे फोर एक्स, क्या आगे तो हाफ भी है भाई, की वैल्यू पावर ये हाफ है, क्या आएगा फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स माइनस फाइव बाई टू प्लस के पाई बाई टू माइनस फाइव बाई टू पाई बाई टू डी एक्स फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, अब इसका क्या वैल्यू क्या आ गई है, इसकी हाफ की पीछे लिया इसकी वैल्यू, इसको वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्या गया ये अब एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी मान लूंगा तो टू एक्स डी एक्स डी टी, क्या जाएगा ये अब एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या मान लूंगा मैं टी मान लूंगा तो टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये क्या आ गया यहां से मुझे लोग भी चला रहा है, क्या है ये डी टी, तो क्या आ गया लोग इस चार बनाना है तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे दो से डिवाइड करेंगे इसको, दो से क्या करेंगे फोर डी एक्स, फोर डी एक्स बनाने के लिए फोर डी एक्स इक्वल टू फोर डी टी टू डी टी फोर डी एक्स इक्वल टू टू डी टी, टू डी टी अच्छा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन इंटू टी मिलेंगे, तो जब ये चीजें देख लेंगे ओड है या इवन है फंक्शन, ओड है या इवन है फंक्शन,
पाई नहीं, वन बाई टू है क्या ये? अभी देख लेंगे कि एक्स की वैल्यू फोर एक्स अपॉन एफ स्क्वायर की वैल्यू, अगर फोर एक्स अपॉन ये है फोर एक्स अपॉन एफ स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू कब माइनस हो सकती है, कब प्लस हो सकती है? इसकी वैल्यू जब प्लस हो सकती है, अगर माइनस की वैल्यू कब हो सकती है, अगर एक्स एक्स की वैल्यू हाफ से छोटी हो, एक्स इफ जीरो इफ जीरो इज लेस देन एक्स एंड हाफ, इफ माइनस फिर क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू माइनस से फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस से वन आ जाएगी, ठीक है, जीरो की वैल्यू हाफ एक्स एंड हाफ हो, एक्स एंड हाफ हो, नहीं तो अदरवाइज ये कैसे रहेगा फंक्शन, इवन फंक्शन रहेगा, कैसे रहेगा ये इवन फंक्शन रहेगा, तो इसीलिए क्या रहेगा टू इज टू टू जीरो टू हाफ, टू जीरो टू हाफ टू फोर एक्स क्या रहेगा टू जीरो टू हाफ टू फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के वन, तो क्या रहेगा लोग लोग एक्स स्क्वायर माइनस वन फोर लोग एक्स स्क्वायर माइनस हाफ क्या आएगा फोर लोग एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, फोर लोग एक्स स्क्वायर लोग माइनस एक्स स्क्वायर देखो इसका स्क्वायर आएगा, ये दो आएगा, ये दो से मल्टीप्लाई आएगा, ये इससे कट जाएगा यहां से, ये तो खत्म हो गया, तो क्या हो गया ये तो खत्म हो गया। अच्छा तो क्या आएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस के सी, क्या आएगा फोर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस के वन प्लस के टी, और इससे जो है लिमिट रख देंगे जीरो टू हाफ, जीरो टू हाफ इसकी लिमिट रख देंगे, तो क्या आएगा फोर लॉग फोर बाई थ्री, क्या आएगा माइनस फोर लोग फोर बाई थ्री, क्या आएगा फोर लोग फोर बाई थ्री आएगा, फोर लोग फोर बाई थ्री आएगा, देखो क्या है जीरो टू वन वन बाई टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर है हाफ है ये, पहले लिमिट माइनस फाइव बाई टू वन बाई टू माइनस वन बाई टू वन बाई टू लेनी पड़ेगी लिमिट, ठीक है ये आगे इसका स्क्वायर कर लिया से टू से टू गया, ये आगे फोर एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस वन थ्री मान लिया, ये आगे इसका लिमिट रखेंगे क्या जाएगा आंसर फोर लोग फोर बाई थ्री, ये इसका आंसर नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ पीरियडिक फंक्शन क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ पीरियडिक फंक्शन क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ पीरियडिक फंक्शन क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ पीरियडिक फंक्शन क्या है जी, डेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ पीरियडिक फंक्शन
डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ पीरियडिक फंक्शन, इट मीन वी हैव दैट ए प्रॉपर्टी, पहले क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए टू बी, ए टू जीरो टू एन टी एफ एक्स डी एक्स, जीरो टू एन टी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एन जीरो टी एफ एक्स डी एक्स एन जीरो टू टी एफ एक्स डी एक्स, वेयर टी इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन, वेयर टी इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन, वेयर टी इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन, वेयर टी इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन एंड एन बिलोंग्स टू आई एंड एन बिलोंग्स टू आई, आई फॉर इंटीजर, जीरो टू एन टी एफ एक्स डी एक्स एन जीरो टू एफ एक्स डी एक्स, वेयर टी इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन एन बिलोंग्स टू आई एंड एफ एक्स प्लस टी एफ किसी टाइम पीरियड के बाद, यही क्या है एफ एक्स, ये पहली क्वेश्चन है, एंड ए जीरो टू ए प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एन जीरो टू टी एन जीरो टू टी एफ एक्स डी एक्स, ये पहली प्रॉपर्टी आ गई, ये दूसरी प्रॉपर्टी आ गई, अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एम टी एन टी एफ एक्स डी एक्स, एम टी एन टी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एन माइनस एम जीरो टू टी एफ एक्स डी एक्स, एन माइनस एम जीरो टू टी एफ एक्स डी एक्स, एन माइनस एम जीरो टू टी एफ एक्स डी एक्स, वेयर टी इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन एम एन, वेयर टी इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन एन एम एन, एन जीरो एन एम टी एन टी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एन माइनस एम जीरो टू टी एफ एक्स डी एक्स, ये क्या है, एक और है ए प्लस एन टी, ए प्लस एन टी बी प्लस एम टी बी प्लस एन सी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए एन टी लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, एक कहेंगे इक्वल आ जाए ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, वेयर टी, वेयर टी इज द पीरियड एंड एन बिलोंग्स टू आई, वो ये देखो क्या फंक्शन है, ये डेफिनेट इंटीग्रल का पीरियडिक फंक्शन है, जीरो टू एन टी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एन जीरो टू टी एफ एक्स डी एक्स, वेयर टी इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन एन बिलोंग्स टू आई, या ये क्या है एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू, बार बार रिपीट हो रहा हूँ, टी पीरियड है, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू या एफ एक्स है, तो जीरो टू ए प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एन जीरो टी एफ एक्स डी एक्स, सिमिलरली अब एम टी टी एम टी एन टी लोअर लिमिट अपर लिमिट एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एन माइनस एम, एन माइनस एम जीरो टू टी एफ एक्स डी एक्स, सिमिलरली ये फोर्थ है, क्या ये फोर्थ क्या है लिमिट, ए प्लस एन टी बी प्लस एम टी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये इसका लिमिट निकाल सकते हैं, इस तरह डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे, कहीं इसका यूज होता होगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई,
जैसे क्वेश्चन है ये बहुत क्वेश्चन करते हैं मुझे। जीरो टू हंड्रेड, जीरो टू हंड्रेड एक्स माइनस एक्स डी एक्स वेयर बिलोंग्स टू इज ग्रेटेस्ट फंक्शन। एक्स माइनस क्या क्वेश्चन है, एक्स माइनस एक्स माइनस मोड एक्स वेयर एक्स इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द फंक्शन, वेयर एक्स इज द ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ द इफ। वी हैव नो दैट एक्स माइनस मोड एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये इट मीन्स वी एक्स माइनस पीछे पढ़ाया था हमने, ये पढ़ा बताया था एक्स माइनस एक्स मोड एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इज इक्वल टू वी हैव जीरो टू हंड्रेड ठीक आएगा ये एक्स डी एक्स जीरो टू एक्स डी एक्स। इट मीन्स जीरो टू एन टी एफ एक्स डी एक्स, ये एन ये तो हंड्रेड को किस तो कर लूंगा मैं, ये ना जीरो टू हंड्रेड है इसे कर लिया लिमिट को जीरो टू हंड्रेड माइनस वन, नहीं हंड्रेड माइनस मल्टीपल वन, हंड्रेड में वन आ गया तो एन टी क्या है वन का मान इंटरवल है या पीरियड है तो क्या है जीरो टू हंड्रेड जीरो टू वन हंड्रेड बाहर आ गया एक्स डी एक्स या जीरो टू हंड्रेड एक्स डी एक्स। इसका तो जीरो टू वन में एक्स टू एक्स ही रहेगा, जीरो टू वन में ये वैल्यू कितनी आएगी एक्स ही रहेगी तो क्या आगे हंड्रेड जीरो टू वन एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स एक्स डी एक्स। इसकी एक्स की एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू इज टू हंड्रेड और जीरो टू वन, जीरो टू वन हंड्रेड माइनस वन का स्क्वायर अपॉन टू तो क्या हंड्रेड मल्टीप्लाई वन अपॉन टू टू सिक्सटी सिक्सटी वन का सिक्सटी तो हंड्रेड इज इक्वल टू सिक्सटी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई फिफ्टी आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई देखो जीरो टू एक्स जीरो टू हंड्रेड एक्स माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू एज द ग्रेटेस्ट फंक्शन निकाल दी, हम जानते हैं एक्स माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा ये आ गया एक्स क्योंकि सिंगल वैल्यू आ गई। अच्छा जीरो टू वन की एक्स की भी वैल्यू क्या एक्स होगी फिर इसका इंटीग्रेशन कर दिया वैल्यू रख दी फिर लिमिट रख दी तो क्या आ गया सिक्सटी दैट इज कॉल्ड टू द सिक्सटी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा सिक्सटी आएगा ठीक भाई। सुनिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन मैं देता हूं चलो इसे एक्स करते हैं। क्या क्वेश्चन है देखो ये इस क्वेश्चन को घर से करके जाना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो करेंगे जैसे जीरो टू एन एफ एफ डी एफ ई वैल्यू जीरो टू एन एक्स डी एक्स अपॉन जीरो टू एन एक्स डी एक्स जीरो टू एन एक्स डी एक्स
वेयर एक्स एंड ये एफ आर द इंटीग्रल पार्ट वेयर एक्स एंड एक्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स वेयर एक्स एंड एक्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एंड एन बिलोंग्स टू एन. ये क्या था इवेल्यूट, इसकी इवेल्यूट निकालनी है जीरो टू एन ग्रेटेस्ट फंक्शन एक्स डी एक्स जीरो टू एन एक्स सिंगल एक्स डी एक्स इक्वल टू वी एल एक्स एंड सिग्मा एक्स ये आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एंड एन बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर. इसे जो है घर से करके लाएंगे, कोई प्रॉब्लम है तो इस पे डिस्कस कर लेंगे. ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है. बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग.